ब्रिजभूषण शरण सिंह, WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वैसे वैसे ब्रिजभूषण सिंह बयानबाजी कुछ ऐसा दे दे रहे हैं जो कि चर्चाओं का विषय बन गया है। अब बात कर लेते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के उस बयान की जिस बयान ने भूचाल खड़ा कर दिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। ये बयान देने के बाद तो ऐसा तहलका मच गया, क्या वाकई शिलाजीत का सेवन करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? और महिला जो पहलवान है उन्होंने यौन शोषण का जो आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाया है वो क्या गलत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत, जी हां, बीजेपी के सांसद और WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से। इन दिनों मीडिया के सवालों का लगातार जवाब दे रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, हालांकि कुछ सवालों के जवाब पर चुप हो जाते हैं, दो लाइन कहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा सवाल ब्रिजभूषण सिंह से कर लिया गया जिस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शिलाजीत की रोटी खाने का जिक्र किया, उनसे सवाल पूछा गया था कि कहा जा रहा कि शिलाजीत का सेवन करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो उन्होंने कहा शिलाजीत के रोटी खाते हैं वो, तो क्या वाकई, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उन्हें केवल और केवल परेशान करने के लिए, इस तरीके के घटिया और फर्जी आरोप उन्हें लगाकर परेशान किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। हालांकि शिलाजीत के सेवन को लेकर जिस तरीके से चुप्पी उन्होंने तोड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था हां खाते हैं, तो क्या वाकई शिलाजीत के सेवन की वजह से ही सारा मामला खराब हुआ है? और अगर इसका सेवन नहीं करते तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह से वो गलती हो ही नहीं पाती जिस गलती की चर्चा आज हो रही है? दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान मौजूद हैं, लगातार धरना दिया जा रहा है, और धरना देते हुए कम से कम अगर बात करें तो 5 से 6 दिन हो गया है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। हालांकि जो अगर बात करें तो FIR ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लिख गई है, लेकिन हाँ एक बात तो है कि मौजूदा समय के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से फंसते चले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि शायद आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।